टोमेटो चीज़ बॉल बनाने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ। मुझे हरी मिर्च चाहिए 4 अदद, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। मुझे शिमला चाहिए, इसके मैंने बीज निकाल के इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। टमाटर चाहिए, इसका मैंने बीज निकाल दिए हैं और मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। काली मिर्च चाहिए मुझे 1 टीस्पून। नमक चाहिए मुझे हसबे जायका टेस्ट के हिसाब से। और ये मुझे चाहिए, ये मजरीला चीज़ है, ये मुझे चाहिए 3 टेबलस्पून। ये लहसुन की 2 कलियाँ हैं, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मुझे चाहिए कुटी हुई मिर्च, ये मैंने 1.5 टीस्पून ली है। और मुझे चाहिए चेडर चीज़, चेडर चीज़ मैंने ली है 2 टेबलस्पून। ये मुझे मैदा चाहिए 4 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबलस्पून। और ये देखें मैंने पोटैटो लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक से। ये देखें बारीक साइड से मैंने कद्दूकस किया है। ये मैंने लिए 2 अदद आलू और इसको मैंने उबॉयल करके कद्दूकस कर लिया है। ये देखें ब्रेड क्रम्स ली है, ये मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स ली है। तो आइए अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखें मैंने बाउल में ये 2 अदद आलू बॉयल करके कद्दूकस कर लिए थे, ये मैंने 1 बाउल ले लिया। ये देखें अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो मैंने 2 इसकी कलियाँ थी लहसुन की, इसको मैंने चॉप कर लिया फुल बारीक, मैंने चॉप किया। ये डाल देंगे। ये देखें कुटी हुई मिर्च चाहिए मुझे, ये 1 बेबी स्पून है। नमक मुझे चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से, आपने नमक डालना, मैं ये 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। जी काली मिर्च चाहिए मुझे, ये देखें 1 टीस्पून है ये भी। ये शिमला मैंने 1 छोटी सी ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया। ये देखें कितना बारीक मैंने चॉप किया हुआ है। ये देखें हरी मिर्च, ये 4 अदद है, इसको मैंने फुल बारीक फाइन चॉप की है। ये देखें टमाटर, इसके मैंने बीज निकाल के इसको सिर्फ कलरफुल करने के लिए मैं ये टमाटर इसमें डालूंगी। जी ये देखें हमने सारे मसाले डाल लिए हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी ये देखें जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। जी ये देखें जब हम ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, फिर हम इसको हल्के हाथों से करेंगे। जी ये देखें, ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। जी ये देखें कितना खूबसूरत रंगीन सा हमारा ये मिक्सचर बन गया है पोटैटो का। ये थोड़ा सा ऐसे लेंगे और इसको छोटे छोटे बाउल हमने बनाने हैं। ये देखें, ये देखें जी इतने से हमने बाउल बनाने हैं, तो ऐसे मैं ये सारे के बाउल बना लूँगी। ये देखें, ये देखें जी इसी तरह मैं अपने ये सारे बाउल बना लूँगी और बाउल बना के मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखें हमारे बाउल बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें थोड़े से आलू, 2 आलू थे सिर्फ, और मेरे ये 22 बाउल बने हैं। तो चलें जी अब ये हम बाउल साइड पे करते हैं, तो अब हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। जी ये देखें ये हमने अपना मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें जी इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने, इसमें और पानी डालूंगी थोड़ा सा। ये देखें ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा और पानी डाल के ये हमने बनाया है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून डालूंगी।
तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, मिक्स करके ये देखें, मुझे इतना सा पतला चाहिए। हमने इसको ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। ये देखें, ये हमारी ब्रेड क्रम्स है। इसमें भी हम ये देखें एक टीस्पून ये डाल देंगे, इससे ज़रा इसमें खूबसूरती आ जाएगी जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें चिली फ्लेक्स मैंने एक टीस्पून इसमें डाल दी है। तो आइए अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। जी ये देखें, मैंने ये बाउल एक पकड़ा है, इसको हमने इसमें डाल देना है। ये देखें इसमें डाल के, ये देखें हम इसमें डालेंगे और इसको ऐसे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगा के ये देखें और इसको रख देंगे। ये देखें हम डालेंगे ऐसे, ये देखें ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखें इसको हम ऐसे रखते जाएंगे। ये देखें मैंने अपने सारे चीज़ बॉल पे ब्रेड क्रम्स और वो मैदे का और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा के तो मैंने ये रेडी कर ली है। तो आइए अब हम डीप फ्राई करते हैं। ये देखें मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आँच हम थोड़ी सी तेज़ रखेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ हमने इसके ऊपर गोल्डन कलर लाना है। तो ये देखें हमारी ये जो चीज़ बॉल है, इसी तरह हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये हमारे फ्रीज़ हो जाए तो हम इसको किसी प्लेट में या किसी थैली में या किसी बॉक्स में डाल के हम रख देंगे, तो ये हमारे काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। तो इस पोजीशन में ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी नहीं, जब हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो आइए अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। ये देखें मैंने इसको काफ़ी देर का चढ़ाया हुआ है। ये देखें जब हीट इसमें से थोड़ी सी तेज़ हीट आ रही है लेकिन मुझे बर्दाश्त हो रही है। ये देखें तो फिर हम इसमें अपने बॉल्स डालेंगे। जी ये देखें अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स अपने डाल देंगे। ये देखें हमने अपने सारे बॉल्स इसी तरह डाल देने हैं और इसको हमने उसी वक्त इसकी साइड चेंज नहीं करनी, दो तीन मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी ये देखें मुझे दो से तीन मिनट हो गए हैं इसको डीप फ्राई करते हुए। अब देखें इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसकी साइड टर्न कर दूंगी। ये देखें जी कितना अच्छा सा गोल्डन कलर ऊपर आ गया। ये मैं सारे अच्छे से पलट दूंगी। चलें जी ये मैंने सारे पलट दिए हैं। जी ये देखें ये हमारे सारे गोल्डन हो गए हैं। अब ये जो थोड़ी सी जगह बची थी इधर मैंने अब नए डाल दिए हैं, तो हम ये सारे लेंगे। देखें जी कितना अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया। ये देखें मेरे चीज़ बॉल बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के हैं। आइए मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखें जी ये देखें कितने अच्छे और कितने